किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है। पीड़ित का साथ देना ये माननीय मोदी जी का भी कार्य है, माननीय योगी जी का भी कार्य है। और हमारे साथ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चार जी हैं, जो कि सीकरी के सांसद भी हैं। सर, बड़ा तेज प्रकरण चल रहा है जगदीशपुरा कांड, और उसके बाद एक मिनिस्टर ने कहा कि सिंहासन डोल गया, इसलिए सीकरी से छोड़ करके आगरा में आ गए लोग, नाम नहीं लिया उन्होंने डायरेक्ट। तो पूरा प्रकरण किस तरह लेते हैं आप, किस रूप में, और उस प्रेस वार्ता को किस रूप में? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सिंहासन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय अमित शाह जी, ये जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। और आज तक किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि भगवान श्री राम की कृपा से मोदी जी के और भाजपा के सिंहासन को कोई हिला पाए। तो सिंहासन हिलने का प्रश्न नहीं है। तो ये जगदीशपुरा जमीन का जो प्रकरण है, इसमें अभी तक इंस्पेक्टर जितेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? होनी चाहिए। इंस्पेक्टर जितेंद्र की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर जितेंद्र के मोबाइल का सर्चिंग जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। गरीब किसान मजदूर परिवार और चौकीदार परिवार के निर्दोष लोगों को गांजा में और शराब में अवैध रूप से दिखाकर जेल भेजना, ये अपराध बहुत बड़ा है, ये क्षम्य नहीं किया जा सकता। ऐसो की गिरफ्तारी हो, उसके मोबाइल से उसके नजदीकी लोगों को खंगाला जाए, और जो भी दोषी इसमें हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी, हमें विश्वास के साथ कह सकते हैं। एसओ की पोस्टिंग में भी एक नेता का नाम आ रहा है जो बहुत चर्चित नेता है, बाढ़ क्षेत्र में रहता है। देखिए, मैं समाचार पत्रों में मैं चर्चितों के बारे में पढ़ता रहता हूँ। अब ये जांच का विषय है कौन चर्चित है और कौन बिना चर्चित भी इसमें होंगे, तो अब मैं ये जांच का विषय है। जांच करने का काम पुलिस कमिश्नर का है, जांच करने का काम जमीन के विषय में आगरा कमिश्नर या जिलाधिकारी का है, तो वो लोग जांच करें, बिंदुवार जांच करें, गहनता से जांच करें, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एक नेता का कहना है कि वहाँ काम नहीं हो रहे थे, खासतौर से ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों में, तो मेरा बेटा जब वहाँ जाने लगा तो एक नेता आ गए और सामने मैदान में कूद पड़े। नहीं, अच्छी बात है, कोई भी जाते हैं वो भी जाएं, उनके बेटे भी जाएं, लोगों की समस्याएं सुने और समाधान भी कराएं, ये भी अच्छी बात है। चलिए, सीपी का ट्रांसफर हो गया, सीओ एसओ की तलाश हो रही है, और भी मान लीजिए कोई एसीपी रहा होगा, कोई और भी, इन सब की भी तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं। देखिए, मेरा कहना ये है कि थानाध्यक्ष के साथ इसमें और कौन लोग संलिप्त थे, थाने की सारी गतिविधियों की मॉनिटरिंग क्षेत्राधिकारी भी करते हैं, तो जो भी इसमें हो, मुझे लगता है नए सीपी आए हैं, पुराने सीपी ने भी जो प्रभावी कार्रवाई कर सकते थे, क्योंकि ये कार्रवाई सरकार करती है, सरकार योगी जी की, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता, चाहे कोई हो। पीड़ित का साथ देना ये माननीय मोदी जी का भी कार्य है, माननीय योगी जी का भी कार्य है, और उनके हम सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारा भी यही कार्य है। सीएम साहब को एक पत्र लिखा गया, मैं पहले दिन लिखा, मुझे किसी के बारे में कोई संज्ञान नहीं था किसके अंदर कौन निकलेगा, मुझे जानकारी न तब थी न आज है, तो मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि कोई मेरी पार्टी का कोई नेता इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसी अपेक्षा न जनता करती है, न मैं करता हूं, न मेरी पार्टी करती है। तो ये थे हमारे साथ सांसद राजकुमार चाहर, जो कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी है। बेबाकी से अपनी बात इन्होंने रखी, और जो जगदीशपुरा का बहुचर्चित जमीन कांड है, इसमें सबसे पहले न्याय दिलाने के लिए यही सामने आए थे, और अब तक इस मामले में लगे हुए हैं। हिमांशु त्रिपाठी, आगरा।